हाय दोस्तों, मैं नासिक से आप सबों को कुर्बानी में करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो देख रहा था। मगर मेरा वीडियो थोड़ी सीमित आमदनी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हाय फ्रेंड, आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन के समसामयिकी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आज चलिए हम एक सेट के बारे में बात करते हैं कि इसके एक सेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा सेट, तीसरा सेट हम वीडियो लगातार देते रहेंगे, क्योंकि अब इसका एग्ज़ाम आने वाला है, बीएसएससी का एग्ज़ाम। तो आप लोग यहीं से तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर का। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अगर आपको हमारा वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल का विकास किसने किया था? तो चलिए एनसीईआरटी और सीबीएसई ने मिलकर किया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। कौन सा जवाब होगा? ऑप्शन डी होगा। बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिले हेतु कोविड जागरूकता रथों को रवाना किया गया है? तो इसका सही जवाब है 18 जिलों के लिए कोविड रथों का रवाना किया गया है। 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस राज्य ने गोल्ड मेडल जीता? 44वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेला में किस राज्य ने गोल्ड मेडल जीता? तो चलिए हम देखते हैं। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन? बिहार, क्योंकि हम लोग बिहार का करंट अफेयर जान रहे हैं तो बिहार होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो चलिए इसका देख लेते हैं। इसका जो मेज़बानी करेगा चीन करेगा। कौन करेगा? चीन करेगा। इसमें ऑप्शन में ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन इसका जो मेज़बानी चीन करेगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, कोविड नाइन्टीन विभिन्न रेरिएंट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जवाब है, देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। इसका जवाब है लैम्बेडा की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई, ऑप्शन बी कला एवं डेल्टा कोविड-19 के भारतीय वेरिएंट है, ऑप्शन सी ओमिक्रॉन वेरिएंट दक्षिण अमेरिका में सर्वप्रथम पाया गया। इसका सही जवाब जो है, इसमें से कई जवाब सही है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, एक से अधिक। ठीक है, चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि यहाँ पे है, 6 में है, वेब सीरीज मिर्ज़ापुर चर्चित अभिनेता ब्रह्मा मिश्रा का निधन हो गया, वे अपने किस किरदार हेतु चर्चित थे? चर्चित अभिनेता ब्रह्मा मिश्रा का निधन हुआ, वह कौन से किरदार में था? तो चलिए इसका ऑप्शन देते हैं, मुन्ना भैया, ऑप्शन बी ललित, ऑप्शन सी कालीन भैया, ऑप्शन डी पहलवान। तो चलिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी ललित में था। तो कौन था? मुन्ना भैया का। चर्चित अभिनेता ब्रह्मा मिश्रा का निधन हुआ होगा, वह किस किरदार में थे? वह ललित के किरदार में थे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला भारत में कहां पाया गया था? आपको बताना है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका नया वेरिएंट जो है कर्नाटक राज्य में पाया गया था। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। आठवां क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चलिए इसका सही जवाब है अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन ए में ही सही जवाब है। चलिए उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, अंजू बॉबी जॉर्ज ही है। ठीक है, चलिए उसका अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे नवीनतम गणराज्य कौन सा देश बना? तो इसका सही ऑप्शन देख लीजिए, कैटालोनिया, दक्षिणी सूडान, बारबाडोस, जॉर्जिया। तो इसका सही ऑप्शन है बारबाडोस, नवीनतम गणराज्य बना है बारबाडोस। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देते हैं, चक्रवात जवाद ने भारत के किन किन राज्यों को प्रभावित किया है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी, तमिलनाडु, ऑप्शन डी, ए और बी। तो चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों इससे जवाद चक्रवात से प्रभावित हुए थे। भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, कब लिया गया है ये आपको बताना है। भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से मैत्री दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है 6 दिसंबर को। कब? 6 दिसंबर को। किस भारतीय मूल की महिला IMF डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? अंशुतुला कांत, सोमिया स्वामीनाथन, गीता गोपीनाथ। तो इसका सही जवाब है गीता गोपीनाथ। आगे नहीं बढ़ते हैं, गीता गोपीनाथ ही आएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हॉर्निबल फेस्टिवल का
डैश संस्करण किस यानी कौन सा संस्करण हुआ वो बताना है, वर्ष 2021 में मनाया गया, कौन सा संस्करण मनाया गया, ऑप्शन ए है 20वां, ऑप्शन बी है 22वां, ऑप्शन सी है 25वां, ऑप्शन डी है 28वां, आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22वां, ऑप्शन बी 22वां। चलिए गोभी, गोभी स्टार्टअप ब्रांड, गोभी स्टार्टअप ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, गोभी के स्टार्टअप ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे, ऑप्शन ए स्मृति मंदाना, ऑप्शन बी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी आमिर खान। तो चलिए इसका सही जवाब है स्मृति मंदाना जो है, स्मृति मंदाना या ऑप्शन ए का सही जवाब है, गोभी स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। द अंबुजा स्टोरीज के लेखक कौन है, द अंबुजा स्टोरीज के लेखक कौन है, चलिए इसको बताना है, द अंबुजा स्टोरीज के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन है ए प्रवीण राव, ऑप्शन बी दिनियार पाटिल, ऑप्शन डी सी नरोत्तम खेसरिया। तो सही जवाब आपको बताना है ऑप्शन सी है इसका ऑप्शन, नरोत्तम खेसरिया। कौन है, नरोत्तम खेसरिया। सार्वजनिक परिवहनों के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना था, रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना था ये बताना है। इसको सही जवाब है वाराणसी बना था, जो कि उत्तर प्रदेश है, तो वाराणसी शहर जो है पहला ये बना था। किस राज्य में पुलिस ने कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है, किस राज्य ने कॉल योर कॉप नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। चलिए ऐप ऑप में मत पड़िए, किस राज्य ने पुलिस ने कॉल योर कॉप नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नागालैंड ने, नागालैंड कॉल योर कॉप नागालैंड ने लॉन्च किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अहरबल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, अहरबल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया इसको बताइएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है लद्दाख, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसी का आंसर है जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, मैरियम बेबेस्टर डिक्शनरी वर्ष 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए वैक्स, ऑप्शन बी वैक्सीन, ऑप्शन सी पैंडेमिक, ऑप्शन डी ओमिक्रॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वैक्सीन। ठीक है, मैरियम बेबेस्टर डिक्शनरी 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया गया, वैक्सीन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप 2021 को जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे, मलेशियाई ओपनशिप जीतने वाले, इसका ऑप्शन है पंकज वाडवानी, ऑप्शन बी आइफा आजमान, ऑप्शन सी सौरभ घोषाल, ऑप्शन डी बी एंड सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सौरभ घोषवाल जो है मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी थे। चलिए आज का वीडियो यहीं से ख़त्म हुआ, अब ये एक सेट के बाद अब दूसरा सेट है, दूसरा सेट अगर आपको चाहिए तो हमें उसको बता देंगे। चलिए ठीक है, आज का सेट यहीं रहा एक सेट, आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे जो है ये नोटिफिकेशन आप तक आ पहुँचे। ओके बाय।